अस्सलाम वालेकुम। फिशिंग गुरु कराची चैनल से अकबर अली एंड टीम। और ये जनाब हम हरजीना जट्टी पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम लॉन्च में बैठेंगे और अपने फिशिंग पॉइंट के लिए रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जनाब लॉन्च पे सवार हो चुकी टीम माशाल्लाह, और अब हम जट्टी को छोड़ रहे हैं और अपने फिशिंग पॉइंट के लिए निकल रहे हैं। ये हम अपने फिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं और अब इंशाल्लाह शिकार शुरू होने वाला है। दिल थाम के बैठिएगा, दिल लगा के वीडियो देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हामिद भाई ये खड़े हुए राजा दाहिर के किले के सामने, और ये सामने जो नज़र आ रहा है ये राजा दाहिर का किला है। माशाल्लाह। इधर भाई चेहरा तो दिखा दो अपना। ये हमारे हैं गुलशेर भाई, माशाल्लाह बेहतरीन। और ये वो छोटी सी पथराटी है जिसके लिए लोग तरस रहे होते हैं खड़े होने के लिए। और ये हमारे गुलशेर भाई ने एक बोतल यहाँ बांध दी, आपको नजर आ रही होगी ये वाली। ये इस पे हम सारी रात खड़े रहे यहाँ। ये हैं हमारे शाह साहब। शाह साहब, हाँ ये हैं शाह साहब। और ये हैं हमारे रहीम भाई, गर्दन नीचे करके बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। गुलशेर भाई को तो आपने बहुत पहले देख लिया था। और ये हमारे नईम भाई हैं, ये शर्मिंदगी से दाना नीचे हो गया। और अब हम इनके जरा छल्ले की तरफ चल के देखते हैं कि उसमें क्या कुछ आया है। अच्छा माशाल्लाह, छल्ला है कहाँ यार। अच्छा तो ये है, लगता है कोई हीरे भी नीचे पड़े हुए, दबा दबा के रखे हुए। ये सामने पंखे लगे हुए हैं जो यहाँ तक उनकी हवा की वजह से सुकून से बैठा जा सकता है। ये राजा दाहिर के किले के बाहर का व्यू है। हम शिकार करते हुए अपनी कश्ती से थोड़ा सा कैमरे को जूम करके जो है ना वो आपको दिखाने की कोशिश की है, और अगर टाइम मिल गया तो इंशाल्लाह आपको इस किले का अंदर से भी विज़िट करवाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि अंदर इसके है क्या बाकी बचा और कैसा था और अभी क्या है। ये काफ़ी सारा इसका हिस्सा जो है वो समंदर का एक हिस्सा बन चुका है, बल्कि समंदर में बह गया है। और ये जहाँ बैठ के शिकार कर रहे हैं बेसिकली ये भी इसी का एक हिस्सा है, जो अब वहाँ वो एक पथराटी बन चुकी है। यानी जैसे पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे बेसिकली वो इसी किले के पत्थर कह लें, ईंटे कह लें, जो भी हैं। अब ये जैसे फसील नज़र आ रही है, दीवार है टूटी हुई, इसी तरह काफ़ी सारे हिस्से इसके समंदर में मिल चुके हैं। और ये अब हम वापस अपनी कश्ती की तरफ, ताकि थोड़ा सा आपको वो भी दिखा दिया जाए कैसे वो टीम क्या कर रही है।
जैसा कि हामिद भाई हैं, ये डोर निकाली और ये फेंकने लगे, ये नीम से आप डोर डाल के बैठे हुए हैं। और रहीम मियाँ भी अपनी डोर सीधी कर रहे हैं, ये गुलशेर मियाँ अपनी डोर सीधी कर रहे हैं, शाह साहब चारा लगा रहे हैं। और अब देखते हैं कि ये हामिद भाई जिंदा झींगा छल्ले से निकाल रहे हैं। ये हैं वो पत्थर जो पहले किले का हिस्सा हुआ करते थे और अब ये समंदर का हिस्सा बन गए हैं, जहाँ शिकारी आते हैं और अपनी कश्तियाँ खड़ी करके शिकार करते हैं। वो फिर वही नज़र आ गई हमारी मार्किंग पॉइंट बोतल, ताकि जब पानी चढ़ जाएगा तो ये पत्थर नज़र नहीं आते, तो इस वजह से हमने वो बांध दी ताकि इसके साथ हम अपनी कश्ती आके यहाँ रोक देंगे। ये नहीं बहने आखिर जो ना वो गुस्सा खाने के बाद एक सर निकाल लिया, माशाल्लाह ग्रेट। ये हैं हमारे गुलशेर भाई, माशाल्लाह भाई बेहतरीन गुलशेर भाई, आप तो आज ले गए नंबर। ये एक बेबी की सर नईम साहब ने और उठा लिया भाई। गुलशेर तो आज नंबर ले गया माशाल्लाह। नाक बनाएगा इसकी तस्वीर, बीच में रख गया सांड को, सांड हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन चेहरा तो अपना भी दिखा दो, अंधेरे में नजर ही नहीं आ रहा कुछ। चलो भाई चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह बन गया भाई, बन उसका भाई आ गया भाई। और ये नहीं भाई, माशाल्लाह 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 ये जोड़ी हो गई, जोड़ी हो गई। अरे ये तो वाकई दोनों भाई जोड़ी है भाई, परेशान कौन भाई फंसा जाकर। ये भजन बेहतरीन बेहतरीन, देख लिया कहाँ से निकाले, बता दिए कहाँ से निकाला है, कहाँ से निकाला है, घुस के ना भाई जाके वो शाह साहब। दोपहर का खाना गुलशेर के हाथों से, अब देखेंगे हमें या डॉक्टर बुलाना पड़ेगा तो या फिर नहीं नहीं माशाल्लाह। और ये हमारे रहीम शाह जो कभी गाना गाया करते थे पठान होते थे, अब सिंधी हो गए, ये खीरों को काट रहे हैं। और ये हमारी मछली पड़ी हुई है ना माशाल्लाह से, चावल भी हुए हैं जो कि इंशाल्लाह चावल बने।
ये है जी दोपहर का खाना तैयार हो गया। चलो जी पीछे से आवाज़ आ रही, रात का भी बनेगा। ये सैलेड बनाया हुआ है दही के साथ, और ये हामिद भाई के मुंह में लुकमा जाते हुए वीडियो बन गई। और ये हमारे शाह साहब हैं, और ये वीडियो बन गई। चलो ये वो ये नहीं खा सकते भाई, ये कहते हैं कि मेरी वीडियो आज एक इस तरह खाना खाते हुए इतनी शर्म आती है। ये और ये रहीम बादशाह हैं हमारे, ये अब शर्मा रहे हैं खाना नहीं खा रहे। देखो यार ये हाल है लोगों का। और ये हमारे गुलशेर साहब हैं, इतने भूखे हैं देश का खाली कर दिया इन्होंने। चेहरा तो दिखा दो इधर दुल्हन। गुलशेर भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह बेहतरीन खाना बनाए, बेहतरीन लाजवाब। चम्मच धुल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हमारे वीडियो ने बना देना खाना खाते हुए। बहुत जालिमो सारी और हमारी बनाई तूने। ये है राजा दाहिर का किला और उसकी बाकियात, जो किसी दौर में यहाँ बादशाह थे, हुक्मरान थे। उनका एक नाम था, एक रोब दबदबा था, और आज कुछ भी नहीं सिवाय इस वीराने के। ये हमारे हामिद भाई हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये शायद एक कमरा था कि लो भाई ये तो आगे भी है भी बहुत कुछ। अच्छा वो बेल फसील है उसने। Thank you.
से साबित हुआ जो हम मानते तो हैं लेकिन ऐसी चीज़ें देख के यकीन पुख्ता हो जाता है कि वाकई ही हर चीज़ फानी है। कोई नजर आएगा तो मैं शाह साहब को आवाज लगाऊंगा ना भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, हीरा है भाई, हीरा शाह साहब, बेहतरीन शाह साहब।